हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ओधिकारी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है रियलमी 5S डिवाइस। आप कंफर्म कर लीजिए, ये है रियलमी 5S डिवाइस। इसमें कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया था। उस अपडेट में एंड्रॉयड 10 हो गया था एंड रियलमी UI भी उसके साथ ऐड हो गया था। तो उसके बाद भी एक बार फिर से एक नया अपडेट निकल के आ गया है। तो ये अपडेट आप लोगों को करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताएंगे कौन सा फीचर इसमें मिलेंगे और क्यों ज़रूरी है ये अपडेट करना। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाके आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। देखिए, यह है सेटिंग। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट। उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये कंफर्म कर लूँगा। देखिए, यहाँ पे Realme 5S है और Realme UI वर्शन 1.0 है और Android वर्शन देखिए 10 और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं अभी कौन सा अपडेट आया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे आके यहाँ पे देखिए न्यू वर्शन अवेलेबल Realme UI। देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड 10 है और RMX1925EX11C49। तो 238 MB का एक बढ़िया अपडेट है, इसको आप लोगों को करना है। तो मैं पहले डाउनलोड में क्लिक कर देते हैं, उसके बाद मैं फीचर आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या ऐड होने वाला है। तो कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा फीचर ऐड होगा। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आएगा, उसके बाद देखिए ऑप्टिमाइज द स्पीड, उसके बाद देखिए यहाँ पे पबजी गेम ईयरफोन से खेलेगा। यहाँ पे देखिए वो वाईफाई भी अच्छे से ऐड होगा। तो पहले इशू था, फेल्ड हो रहा था, वो भी नहीं होगा अभी। अच्छे से कॉल ड्रॉप नहीं होगा, अच्छा कॉल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इतना सारा फीचर आप लोगों को नया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे फीचर यहाँ पे है, तो आप लोगों को सारे के सारे फीचर आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग में मैं कर दिया था, तो 82% हो गया। तो अभी आप लोगों को सामने मैं इसको अपडेट करके दिखाऊंगा। देखिए ये 100% होने वाला है। तो मैं अभी अपडेट नाउ में क्लिक करते हैं, तो ये वेरीफाइंग होगा, उसके बाद ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक ये बंद हो चुका है। देखिए फिर से ये लाइट आया। अभी क्या क्या काम होगा मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें हाथ मत लगाओ, कुछ प्रेस मत करो, प्लीज़ डोंट डू एनी अदर ऑप्शंस। तो 4 मिनट तक वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए और 3 मिनट बाकी है, तो ये पूरा होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा हो गया है, तो अभी ये शायद ओपन हो रहा है फ़ोन, देखते हैं क्या होता है। देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे Realme पावर्ड बाय Android आया है। तो अभी और कुछ काम है क्या मुझे पता नहीं है। देखिए फाइनली ये अपडेट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मेरा फ़ोन अभी ओपन हो गया है। तो ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सेटिंग में आके यहाँ पे और कुछ अपडेट है क्या।
देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे फीचर्स देखिए, कौन सा फीचर्स इसमें ऐड हुआ है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। देखिए ये सारे के सारे हो गया है, देखिए ये सब यहाँ पे आ चुका है। देखिए इतना सारे फीचर्स आप लोगों को ऐड हो गया है। तो जियो एंड एयरटेल का आपको वाईफाई मिल गया है। तो ये था अपडेट। तो मैं अगला वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या नया ऐड हुआ है। तो अच्छी तरीके से मैं ढूंढ के पता करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय।